युवा कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने नेमावर हत्याकांड को लेकर आरोप लगाते हुए कहा कि खातेगांव के स्थानीय विधायक आशीष शर्मा का आरोपियों से मिलकर संरक्षण चल रहा था। भूरिया ने कहा कि स्थानीय विधायक और सांसद के दबाव में ही पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही थी, सांसद और विधायक की कॉल डिटेल की जाँच होनी चाहिए। झाबुआ से नेमावर जाते समय बागली तहसील के चापड़ा चौराहे पर मीडिया चर्चा करते हुए कई बड़े आरोप भी लगाए हैं। भूरिया ने कहा कि मुख्य आरोपी बीजेपी का कार्यकर्ता है, सोशल मीडिया पर हर जगह कार्यक्रम में उसका फोटो दिखाई दे रहा है। विक्रांत भूरिया ने भाजपा विधायक और सांसद के कॉल डिटेल की मांग भी की है, इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग भी की है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। कहना चाहेंगे मतलब कि जो आरोपी है वो कहने का बीजेपी से जुड़ा हुआ है, वो तो सीधे से उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं, आप उसकी आईडी देख लीजिए किस तरह से हर तरह से हर कार्यक्रम में विधायक के साथ वो शामिल होते थे, आपको खुद पता लग जाएगा। नहीं तो कोई भी ऐसा कभी नहीं होता है, पुलिस के पास इतनी ताकत होती है कि एक दिन में आरोपी को थाने पर बिठा ले। आज 45 दिन तक उनको न्याय नहीं मिल पाया, इसके सबसे बड़ा कारण वो जो लोकल विधायक है आशीष शर्मा और वहाँ के सांसद हैं, तो उनकी भी जांच होना चाहिए और इसकी सीबीआई जांच के बिना सीबीआई जांच से कम हम कुछ नहीं लेने वाले। आखिरी सवाल है, क्या चाहते हैं आप अभी? देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो त्रुटि हुई है कि प्रशासन ने 45 दिन से ज़्यादातर आरोपियों को बचाने की कोशिश की, आज पूरी जांच उन्हीं लोगों के हाथ में दे दी गई है। ये पहली बार देखा गया है कि जिस प्रशासन ने और जिस पुलिस ने इतनी बड़ी निकम्मापन करा है उन्हीं की उनको ही पुरस्कार देकर सरकार पीठ थपथपा रही है, ये बिल्कुल गलत है। यही तो लोग हैं जो दोषियों के साथ मिले हुए थे, यही तो लोग हैं जो विधायक के कहने पर आरोपियों को पकड़ नहीं रहे थे, यही तो वो लोग हैं जो पीड़ित परिवार को प्रताड़ना दे रहे थे। हमारी एक सबसे बड़ी जो मांग है कि इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए और जो आरोपी हैं, जो जिस तरह से वहाँ के जो स्थानीय विधायक है आशीष शर्मा जी और जो सांसद हैं उनका दबाव प्रशासन पर था, उस कारण से गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, उनके कॉल रिकॉर्ड निकाले जाए और इसकी विस्तृत जांच सीबीआई के माध्यम से होना चाहिए। आप कहना चाहेंगे मतलब कि जो आरोपी है? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।